अरे तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। डे 3 एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर BGMI। बट BGMI है कि नई दुल्हन की तरह नखरे दिखाया जा रहा है। अरे जरा घूंघट उठाइए, दीदार दिखाइए, जरा बाहर तो आइए, अब इंतजार नहीं हो रहा है। लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा ही। अब इस BGMI नाम की बला के ऊपर से मेंटेनेंस ब्रेक नाम का ये घूंघट कब हटेगा मेरे को नहीं पता है। लेकिन मेरे पास एक ऐसी खबर है ना, जिसको सुनने के बाद तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा और तुम कहोगे वाह क्या बात बताइए फारूक भाई, मजा आ गया। न्यूज तो तुम देते हो। वेल देखो, इस वीडियो में गेम प्ले भी हो, ये अंदर की खबर है जो तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ शेयर करने वाला है। तो सब्सक्राइब तो एक बनता है, तो फटाफट से तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। मुझे पता है भी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है, स्टैटिस्टिक्स में सब दिखता है। तो फटाफट से तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो और शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले यार, उधर मैं न्यूज पहले देता हूँ। अब चलो, अब इधर उधर की सारी बातें हो चुकी हैं, तुमने अब तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मैं बताता हूँ कि आखिर अंदर की ऐसी कौन सी खबर है जो मेरे हाथ लग गई है। तो देखो भाई, तुम सबको बहुत अच्छे से याद होगा कि जब लास्ट टाइम BGMI आया था, जब PUBG मोबाइल बैन हुआ था और BGMI आया था, तब क्या हुआ था? तब ये हुआ था कि BGMI वालों ने एक टूर्नामेंट होस्ट करा था जिसको नाम दिया था BGMI लॉन्च पार्टी। और मेरे भाई, तुम अब इसे लॉन्च पार्टी कहो, लॉन्च पार्टी 2.0 कहो, ऐसा ही कॉल लॉन्च पार्टी वापस से होने जा रहा है और बहुत ही जल्दी होने वाला है। मे बी इसका अनाउंसमेंट आपको इसी महीने देखने को मिल जाएगा। और भाई, इसमें तुम्हारे सारे फेवरेट क्रिएटर्स होने वाले। ये जो तुम ट्रेलर देख रहे हो, ये लॉन्च पार्टी का ही है, लेकिन पिछले लॉन्च पार्टी का है, इस वाली लॉन्च पार्टी का नहीं है, वरना ये अंदर ही खबर नहीं होती, पब्लिक खबर होती ना यार, समझा करो भाई। तो ये जो तुम ट्रेलर देख रहे हो ना, ये पिछली बार हुआ था और इसमें जो भी आपके क्रिएटर्स थे ना, उन सब ने धमाल का खेला था और यही वो टूर्नामेंट था जिसमें IND जीती थी। और भाई, हम सबके दिलों में वो टीम छा गई थी भाई, उस टाइम क्या जलवे थे टीम IND के। मैं यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा बायस साउंड करूंगा, लेकिन भाई टीम INT ने ये टूर्नामेंट डोमिनेट करा था। वेल, बाकी बातें साइड में, मेन टॉपिक ये है कि ये लॉन्च पार्टी कब होने वाली है, क्योंकि ये लॉन्च पार्टी जब भी होगी उसके एक या दो दिन पहले ही BGMI रिलीज होगा। तो मतलब ये लॉन्च पार्टी की जो न्यूज है वो हमको BGMI के रिलीज डेट की हिंट दे सकती है। और इस लॉन्च पार्टी में कौन कौन से क्रिएटर्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो भाई देखो, पिछली बार जिन क्रिएटर्स ने पार्टिसिपेट करा था, और काफी सारे लोगों को तो आपने अभी उस ट्रेलर में देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया था, उसमें से ज्यादातर वापिस से पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि इतने दिनों में कुछ पावर डायनेमिक्स चेंज नहीं हुए हैं। वही आपके चेहरे हैं जो BGMI तब खेल रहे थे, वही अभी फेमस है, और मे भी वही इस टूर्नामेंट में दोबारा खेलेंगे। हो सकता है कुछ नए चेहरे आपको इस बार देखने को डेफिनेटली मिल जाए, क्योंकि कुछ चेंजेस तो जरूर होते हैं। अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा होगा कि फारव भाई, क्या इस बार आपको भी इनवाइट आया है? तो नहीं भाई, आंसर है कि मेरे को कोई इनवाइट नहीं आया है, और मैं भी आएगा भी नहीं। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, तुम सब जानते हो। अब देखो, ए मेरे जख्म पे नमक में छिड़को तुम लोग, समझे? तो अब बात करते हैं हम लोग की, फिर मुझे पता कैसे चला बे, अगर मेरे को इनवाइट नहीं आया तो फिर मुझे पता कैसे चल रहा है? तो भाई देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स को इनवाइट तो नहीं आया है, सच बताओ तो उनको पूछा गया है। ठीक है, जो क्रिएटर्स हैं उनसे पूछा गया है कि आपके पास कोई टीम ही में है क्या, मतलब अवेलेबिलिटी पूछी गई है कि वो अवेलेबल है या नहीं है, उनकी टीम रेडी है या फिर नहीं है। तो अब सीधी सी बात है, अगर BGMI के ऑफिशियल्स आगे तुमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे और तुम एक क्रिएटर हो कि फारव तुम्हारे पास टीम है क्या, तो इसका सीधा सा क्या मतलब है? अब वो मुझे मेरी टीम के साथ कोई मैच तो रेसल कराएंगे नहीं, तो सीधा सा मतलब है कि BGMI की तरफ से कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होस्ट हो रहा है जिसमें वो उस क्रिएटर को खिलवाना चाहते हैं जिससे भी वो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। अब कमाल की बात ये है कि अभी अभी BGMI वापस से आने वाला है, ठीक है, मतलब लॉन्च होने वाला है। अब कोई टूर्नामेंट फॉरन के फॉरन हो रहा है तो और क्या होगा, लॉन्च पार्टी होगा और क्या होगा, जो पिछली बार हुआ था और हमको बहुत मजा आया था वो देखने में, मजा इस बार भी आएगा। तो अभी आपको कोई क्रिएटर खुल के ये बात नहीं बताने वाला है, बिकॉज जिन क्रिएटर्स को इनवाइट नहीं किया गया है उनको घंटा नहीं पता है, मेरे को कैसे पता लगा मैं नहीं बताऊंगा, और जिन क्रिएटर्स को इनवाइट कराया गया है उनको अभी पूरी बात बताई नहीं गई है। तो इस वजह से आपको कोई खुल के बताएगा नहीं, क्रिएटर्स आपको तभी बताएंगे जब आपका ऑफिशियल, आपका नहीं सॉरी, BGMI का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगा लॉन्च पार्टी को लेके। तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये उठता है कि लॉन्च पार्टी कब होगी, और होगी देखा जाएगा BGMI कब लॉन्च होगा यार।
तो भाई देखो, मेरे को नहीं पता यार, बीजीमाई वाले एक तो अलग हमसे मस्ती कर रहे हैं यार। तो जैसे नहीं तो छोटे बच्चों को लॉलीपॉप दिखा के ललचाते, वैसे ही अपन को बीजीमाई वाले ललचा रहे। एक तो जबरदस्ती हमको वीडियो चेप रहे, कौन सी फैमिली ऑफ गेमर्स वाली, नहीं चाहिए हमको, नहीं देखनी यार। पता नहीं उन्होंने कब बनाई थी, अभी पैसा वसूल कर रहे डाल के। और फिर कल उन्होंने वो डाल दिया एक ग्लोब, अब लोग उसे डाइसेक्ट करते फिर रहे हैं कि इस तारीख को आएगा नया मैप आएगा जो भी है। भाई देखो कुल मिला के फुल वो मजे ले रहे हैं बीजीएमआई वाले, हम तड़प रहे, मजा उनको आ रहा है, प्रमोशन उनका हो रहा है। लेकिन देखते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी आपको बीजीएमआई देखने को मिल जाएगा, और इस लॉन्च पार्टी का जो अनाउंसमेंट है वो भी आपको इसी महीने के अंदर देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बात का तो गारंटी मान के चलो कि आपको पहले बीजीएमआई मिल जाएगा, उसके बाद ही लॉन्च पार्टी होगी। क्योंकि अगर उन्होंने पहले टूर्नामेंट होस्ट कराने की कोशिश करी और लॉन्च उन्होंने बाद में रखा, तो मानो ना मानो कहीं ना कहीं से गेम लीक हो जाएगा और फिर गड़बड़ हो जाएगी, जो बीजीएमआई बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो इस वजह से पहले गेम आएगा, फिर लॉन्च पार्टी होगी, फिर मजा आएगा और हम लोग फिर से वापस से आनंद उठा पाएंगे। अब काफ़ी सारे लोग इस बारे में भी डिबेट कर रहे हैं कि कौन सा वर्जन आएगा भाई। कोई कह रहा है 2.6 आएगा, तो कोई कह रहा नहीं आएगा। अब भाई देखो, ये तो तभी पता चलेगा जब गेम आएगा, क्योंकि क्राफ्टन और बीजीएमआई दोनों ले रहे हैं मजे। हम यहाँ पर लड़ फिर रहे हैं, अपना दिमाग फोड़ रहे, और वो साइड में स्टैंड में खड़े के मजे ले रहे, कह रहे लगे रहो बेटा लगे रहो, गेस करो, देखते हैं किसका गेस सही होता है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि लॉन्च पार्टी की अगर तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्रिएटर्स को इनविटेशन जाने लगे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो बीजीएमआई के रिलीज को लेकर तैयारी थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। क्योंकि अगर गेम अभी मान लो कि थोड़ा सा भी लेट हो रहा होता तो वो ऐसा बीजीएमआई का एक टूर्नामेंट होस्ट करने की तैयारी अभी शुरू नहीं करते, ठीक है। तो मतलब बीजीएमआई पूरी तरीके से अब रेडी हो चुका है, बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो अब उनका बीजीएमआई से फोकस हटके बीजीएमआई के प्रमोशन पे फोकस जा चुका है, और वो मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि पोस्ट प्रोडक्शन डन हो चुका है और अब सीधा मार्केटिंग होगी, और मार्केटिंग होने का मतलब है कि रिलीज डेट अब ज़्यादा दूर नहीं है भाई, अब बस थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा। कितना वेट करना पड़ेगा यार, सही हो रहा है मेरे से। चलो भाई अब बात करते हैं थोड़ा सा गेम प्ले की। तो तुम्हारे भाई ने अभी तक तबाही मचा रखी है, बुग्गी मेरे को धोखा दे के भाग गया था। असल में ये गेम मैंने बुग्गी के साथ शुरू करा था यार, बट वो एफके हो गया, एफके का ऑफलाइन हो गया। एक तो उस आदमी का फोन कभी चार्ज नहीं रहता, पता नहीं क्या देखता है फोन में, जब भी गेम खेलने बोला भाई 10% चार्जिंग है। अब 10% चार्जिंग से कितना ही खेलता, जॉर्ज पूल में ही भाई का फोन गया, टाटा बाय बाय, और मैं अपने भरोसे। अब तुमको तो बताइए, तुम्हारा भाई किसी स्क्वाड से कम है के, तो मैंने तोड़ना शुरू कर दिया बंदों को। ऑलरेडी कितने 16 किल 15 किल पता नहीं कितने हो गए, मेरे को दिख नहीं रहा है। लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम्हारे भाई ने बजा के रखा है बंदों को, और चिकन डिनर तो कोई नहीं ले सकता उससे। आप देखो, हुआ ऐसा था कि मैंने ब्रिज पे 2 नॉक निकाले थे, वो किल्स तो मेरे को कैसे ना कैसे करके मिल गए थे, लेकिन उनका एक टीममेट अभी भी बच रहा था जो कि इनको रिवाइव देने में लगा हुआ था, लेकिन मैंने देने नहीं दिया था। तो भाई साहब भाग के दूर से एंगल बना के आए थे मेरे को मारने। अबे चटक रही, किसके पीछे पड़ा है तू बारोफ? भाई गेम प्ले बनाने आया हूं मैं, छोड़ूंगा थोड़ी ना तेरे को, अब फिनिश करूंगा। क्या बोला था, बच नहीं पाओगे। अब देखो यहाँ पर मैंने काफी बंदों को बचा रखा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि जोन दादा जो थे ना वो हमसे थोड़े से नाराज चल रहे थे। तो उन्होंने कहा देखो फारो बेटा बहुत हो गया, तुमको ब्रिज तो क्रॉस करना पड़ेगा। तो हमने ब्रिज क्रॉस कर लिया, उसके बाद हम बंदों को थोड़ा सा बग्गी लेके ढूंढ रहे थे, और तभी ये कांड हुआ। अरे दादा भाई, ये बग्गी का क्या इरादा है, मैप के बाहर फेंकिएगा भाई, इतनी दूर आगे गिरा हूँ मैं, इतना लो हो गया भाई, मेरे को तो लगा था मैं चटक जाऊंगा, बचूंगा नहीं, बट किस तरीके से लो हेल्थ में बच गया था। लेकिन अब ये बंदा नहीं बचेगा भाई। क्या बोला था, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। ये क्या बोला मैंने, ये किस मूवी का डायलॉग है, पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ गया। अब देखो उस बंदे से मेरे को AWM मिल गई थी, तो AWM से मैंने डिसाइड करा था कि आखिरी बंदे को ठोकूंगा मैं। भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी सर पे ले ली है, और मेरी फट रही है, क्योंकि आखिरी बंदे को AWM से मारना आसान नहीं होगा, लेकिन इसको मारना तो आसान होगा। अरे अरे नहीं भाई, 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 नहीं।